गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखेंगे ज्योमेट्री बेसिक्स रिव्यू फॉर क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। मैंने बहुत बार जब ज्योमेट्री सिखाया हमारे क्लास में, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को रोम्बस किसको कहते हैं पता नहीं है, रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है पता नहीं है, रेक्टेंगल स्क्वेयर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता नहीं है, सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ये पता नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है ये पता नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके एरिया कैसे निकलते हैं ये पता नहीं होता है, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल जो होते हैं ये क्या है पता नहीं। मतलब पहले उन्होंने सीखा है लेकिन वो भूल जाते हैं। ओके, भूल जाते हैं। तो ये जितने भी सारे बेसिक्स है ये हमें क्लास 10, ओके, ज्योमेट्री क्लास 10 में हमें ये वापस से लगेंगे। तो हम ज्योमेट्री शुरू करने से पहले ये बेसिक्स को एक बार हमने क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, दोहराना चाहिए, तो आपका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से ज्योमेट्री आएगा। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं फोर साइडेड फिगर, उसमें स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हम एक एक करके देखेंगे। जो सबसे पहले हम जो वो देखेंगे वो है पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये पैरेललोग्राम का एक फिगर है, मैंने आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, तो देखो हम देखेंगे पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या है, तो याद रखो बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए उसको पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। जैसे हमारे फिगर में अगर हम ऑपोजिट साइड देखेंगे तो ए बी और सी डी ए क्या है, ऑपोजिट साइड है, तो ए बी और सी डी क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे और ए बी और सी डी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो उसी तरह ए डी और बी सी ये ऑपोजिट साइड है, ए डी और बी सी, तो ये क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे, ए डी और बी सी पैरेलल भी होंगे और ए डी और बी सी क्या होंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ओके, तो देखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ओके, ऑपोजिट साइड्स ये होते हैं, ये पहले हो गई पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की जो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो ऑपोजिट ऑपोजिट, पहले तो ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, फिर ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से बच्चों, देखो एंगल ए ये एंगल और एंगल सी ये ऑपोजिट एंगल है, ये क्या है, ऑपोजिट एंगल। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब उनकी दोनों की मेजरमेंट सेम होती है, अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा, तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो बचा बी, तो एंगल बी और एंगल डी ये भी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है, किसके, पैरेललोग्राम के, याद रखो पैरेललोग्राम के। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, एंगल्स के भी पैरेलल होते हैं कि नहीं, साइड पैरेलल होते हैं, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट और ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, किसके, पैरेललोग्राम के। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल का मतलब नेबर। ओके, अभी एंगल ए लेंगे हम, तो एंगल ए का नेबर कौन है, बी बी है और एंगल ए का नेबर डी बी है, तो एंगल ए प्लस बी अगर हम एडजेसेंट एंगल को ऐड करेंगे, एडजेसेंट मतलब नेबर वाला एंगल, तो एंगल ए और एंगल बी को अगर हम ऐड करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, अगर हम उनका सम करते हैं, प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, तो 180 डिग्री आता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, देखो इधर मैंने लिखा है, तो 180 डिग्री आएगा। उसी तरह एंगल ए और एंगल डी ये भी सप्लीमेंट्री है, नेबर है। ओके, तो एंगल ए और एंगल डी भी क्या होंगे, 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो अगर एंगल बी लेंगे तो एंगल बी का देखो कौन है, एडजेसेंट एंगल सी है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री होगा, और एंगल नेक्स्ट एंगल बी और ए हमने तो ऊपर लिया ए और बी, तो सी लेंगे तो सी और बी तो हमने ले लिया, तो सी और डी, एंगल सी और एंगल डी भी क्या होता है, 180 डिग्री। सी बी और बी सी दोनों एक ही है, देखो ये बी और सी, सी और बी अगर लिखेंगे तो वही होगा, सिर्फ हम रिवर्स करें, पहले सी को ले रहे बाद में बी को ले रहे, तो सब एक ही है। तो बच्चों याद रखो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब जो नेबर वाला उसके नेक्स्ट जो एंगल आता है, ओके, तो ये क्या होते हैं, उनके अगर हम जमा करेंगे, एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो 180 डिग्री आता है, उसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो नेक्स्ट पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं। बायसेक्ट मतलब क्या, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट मतलब कट करना, इंटरसेक्ट मतलब
कट करना, बाइसेक्ट मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में कट करना, कौन करता है, डायगोनल्स। ओके, डायगोनल किसको कहते हैं बच्चों, जो ऑपोजिट एंगल्स को जो लाइन ज्वाइन करते हैं, जो सेगमेंट ज्वाइन करते हैं उसको डायगोनल कहते हैं। देखो ऑपोजिट एंगल डी और बी है, बी और डी, तो इसको जो ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है वो बी डी है, तो ये डायगोनल हो गया। तो एंगल ए और एंगल सी ये भी क्या है, ऑपोजिट एंगल है, तो इनको ज्वाइन करने वाला सेगमेंट ए सी है, तो ये हो गया डायगोनल। तो डायगोनल क्या करते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम के एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करते हैं, इक्वल पार्ट में कट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां देखेंगे, अभी ये एसी डायगोनल बीडी को कट किया है पॉइंट ई में, तो ये क्या करेगा, बीई और डीई को इक्वल पार्ट में कट करेगा, बीई और डीई इक्वल पार्ट में कट कर दिया। देखो तो किसने कट किया, एसी ने कट किया, एसी ने क्या किया, बीडी को इक्वल पार्ट में कट कर दिया, कैसे, बीई इक्वल टू डी, इसी को कहते हैं बाइसेक्ट। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। अब बीडी भी क्या करेगा, बीडी भी एसी को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में कट करेगा, इसका मतलब एई की वैल्यू क्या होगी, सी, एई इक्वल टू सी। तो एक दूसरे को, ये इसको इक्वल पार्ट में कट करता है ये डायगोनल, और वो डायगोनल दूसरे डायगोनल को इक्वल पार्ट में कट करता है, इक्वल पार्ट में, दो पार्ट में, दो पार्ट मतलब बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं, किसके, पैरेललोग्राम के। तो बच्चों यहां देखो पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सब में देखो ऑपोजिट ऑपोजिट आया, फिर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में कट कर दे। ये पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज है, आपको क्लास 10 के लिए ज्योमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल हम देखेंगे, रोम्बस। ओके, अभी रोम्बस किसको कहते हैं, रोम्बस किसको कहते हैं, तो देखो बच्चों कि रोम्बस वो है, अभी इसको देखिए, रोम्बस वो होते हैं जिसके चारों साइड सेम होते हैं। ओके, तो याद रखो रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम सबसे छोटा भाई है, रोम्बस उससे बड़ा है, रोम्बस किससे बड़ा है, पैरेललोग्राम से बड़ा भाई है, थोड़ा बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि रोम्बस में पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी होती है, लेकिन थोड़े एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए वो बड़ा भाई हो गया। ओके, जो जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी होती है, लेकिन थोड़े एडिशनल होती है, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज भी होते हैं और थोड़े ज्यादा प्रॉपर्टीज भी होती है, इसके लिए ये बड़ा भाई है पैरेललोग्राम का। तो देखो अभी पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड चारों साइड क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल मेजरमेंट होते हैं, वैसे ही रोम्बस के भी चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल मेजरमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी बी सी सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसे नहीं होता, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड होता है ना, तो रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड सेम होते हैं, चारों साइड, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड भी सेम होंगे, लेकिन चारों साइड भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, चारों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, किसके, रोम्बस के। तो इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई, एक ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसीलिए बड़ा भाई हो गया, पैरेललोग्राम से बड़ा भाई हो गया। तो देखो बच्चों नेक्स्ट, रोम्बस में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम पैरेललोग्राम के जैसा। रोम्बस में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सेम पैरेललोग्राम जैसा, पैरेललोग्राम जैसे सब क्वालिटीज इसमें आएंगे। और रोम्बस में डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में कट भी करते हैं, किसकी तरह, पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ज्यादा है। कौन सी एडिशनल प्रॉपर्टी ज्यादा है, कि जब डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं तो ये क्या करते हैं, राइट एंगल्स में कट करते हैं, किसमें कट करते हैं, राइट एंगल्स में, मतलब जो डायगोनल्स एक दूसरे को जब कट करते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है उधर, वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ओके, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो दो एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में कट भी करते हैं और जो एंगल फॉर्म होता है कितना एंगल फॉर्म होता है, राइट एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री का। इसका मतलब ये जो एंगल है AEB, मतलब AEB मतलब ये एंगल AEB BEC CED ये एंगल और AED ये जो चारों एंगल दिख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होते हैं। तो देखो पैरेललोग्राम में ये नहीं होता, पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और जब बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। इसको क्या कहते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये ज्यादा प्रॉपर्टी होगी,
तो रोम्बस क्या कहते हैं पैरेललोग्राम को, कि तेरे में जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो मुझ में भी है, लेकिन मेरे में एडिशनल प्रॉपर्टी है। क्या क्या एडिशनल प्रॉपर्टी है, कि मेरे चारों साइड क्या होते हैं सेम होते हैं, और मेरे जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो ये प्रॉपर्टी हुआ। और क्या होता है बच्चों, और क्या होता है कि जो डायगोनल्स क्या करते हैं रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ऑपोजिट एंगल्स को क्या करते हैं बाइसेक्ट, मतलब क्या करते हैं एंगल को दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट, ओके। तो ऑपोजिट एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं डायगोनल्स, क्या करते हैं ऑपोजिट एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं। अभी यहां देखो DAE और BAE, देखो DAE और BAE, ये एंगल देखो DAE इक्वल टू एंगल BAE, तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, दोनों एंगल क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स को क्या करते हैं इक्वल पार्ट में कट करते हैं। इसके लिए DAE इक्वल टू BAE। दूसरा देखो बच्चों ABE, मतलब ये एंगल ABE इक्वल टू CBE, मतलब ये, तो ये एंगल पूरा था लेकिन ये डायगोनल ने क्या किया इसको इक्वल पार्ट में कट कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इक्वल पार्ट मतलब दो इक्वल पार्ट बाइसेक्ट कर दिया, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। आगे का बच्चों देखो DCE और BCE, मतलब ये और ये एंगल, DCE मतलब ये एंगल, BCE मतलब ये एंगल। तो इस डायगोनल ने, AC डायगोनल ने क्या किया इस एंगल को, एंगल C को इक्वल पार्ट में कट कर दिया, इक्वल पार्ट में कट कर दिया। फिर बचा ADE, ओके ADE मतलब ये एंगल और CD, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। सभी एंगल देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल क्या है ABCD, चारों एंगल को डायगोनल ने क्या किया इक्वल पार्ट में कट कर दिया। इसी को क्या कहते हैं डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। तो देखो रोम्बस क्या होता है बच्चों, सेम पैरेललोग्राम जैसे होता है, पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टीज रोम्बस में होती है, लेकिन एडिशनल क्या होता है एडिशनल ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे स्क्वायर में होता है ना ऑल साइड्स इक्वल, वैसा होता है। और क्या होता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। और क्या होता है बच्चों कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, तो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनको क्या करता है इक्वल पार्ट में कट करता है, एंगल को कट करता है, ऑपोजिट एंगल्स को भी इक्वल पार्ट में कट करता है, लेकिन ये पैरेललोग्राम में नहीं होता। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए, आपको मेमोराइज करना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं ज्योमेट्री के क्लास 10 के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और आगे के भी सम सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक्स है, ये आपको 9th में हुआ है, ओके। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की तरफ, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की तरफ। बच्चों आज अभी देखेंगे हम रेक्टेंगल, ओके रेक्टेंगल। अब देखो बच्चों रेक्टेंगल और रोम्बस में झगड़ा होता है हमेशा। रेक्टेंगल क्या बोलता है कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, रोम्बस को कहता है, और रोम्बस क्या कहता है रेक्टेंगल को मैं तुझसे बड़ा हूँ, ओके। लेकिन रेक्टेंगल भी ये पैरेललोग्राम सबसे छोटा भाई पैरेललोग्राम है, सबसे छोटा कौन है पैरेललोग्राम है, लेकिन रोम्बस पैरेललोग्राम से बड़ा है, रेक्टेंगल भी बड़ा है पैरेललोग्राम से। पर रोम्बस और रेक्टेंगल में क्या झगड़ा होता है कि मैं बड़ा हूँ, रेक्टेंगल बोलता है मैं बड़ा हूँ। अभी क्यों बड़ा है ये देखेंगे। तो देखो बच्चों रेक्टेंगल में भी वही सेम प्रॉपर्टीज होती है जो पैरेललोग्राम में होती है। बच्चों याद रखो रेक्टेंगल में भी सभी सेम प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पैरेललोग्राम में होती है ना वैसे सेम प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में भी होती है। जैसे ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी होता है, ये सब कुछ होता है जैसे पैरेललोग्राम में सेम होता है। तो रेक्टेंगल में एडिशनल क्वालिटीज क्या होती है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों कि ऑपोजिट साइड पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट, तो ये तो हमें पता है, लेकिन जो ऑपोजिट एंगल्स है बच्चों, ये ऑपोजिट एंगल भी होता है लेकिन हर एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, जो हर एंगल होता है, जैसे एंगल बी ए है, बी ए, सी ए डी, हर एंगल 90 डिग्री होता है। ये पैरेललोग्राम में नहीं होता क्योंकि पैरेललोग्राम का एंगल कितना मेजरमेंट है हमको पता नहीं, रोम्बस का एंगल कितना है हमको मालूम नहीं, रोम्बस का ओके पता नहीं, लेकिन रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है 90 90 90 होता है। तो ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, अगर हम पैरेललोग्राम से कंपेयर करेंगे तो एक सेम प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम जैसे, लेकिन एक एडिशनल प्रॉपर्टी अभी क्या है, हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, एंगल ए भी 90 होगा, बी भी 90 होगा, सी भी होगा, डी भी 90 डिग्री होगा। तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री पैरेललोग्राम में भी होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। फिर और क्या एडिशन होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों रेक्टेंगल के, ये कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, ये क्या होता है कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ए सी, अभी ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है, ओके, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, तो डायगोनल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता,
ओके तो देखो बच्चों, रेक्टेंगल में सभी प्रॉपर्टीज होते हैं किसकी, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की नहीं। याद रखो, पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल में हमें मिलेगी, लेकिन एडिशनल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 90 90, हर एक एंगल क्या होता है, 90 90 90 डिग्री होता है। और एडिशनल प्रॉपर्टी क्या मिलती है हमें, कि जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी मेजरमेंट, उनकी जो लेंथ क्या होती है, सेम होती है। जैसे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ओके, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी हमें सब मेमोराइज क्या करना है, मेमोराइज करना है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये मैंने लिखा नहीं, बहुत इजी है इसके लिए, तो ये भी हमें याद रहना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके, ये हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्वायर की तरफ। अब बच्चों देखो, रेक्टेंगल जितने भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें सबसे बड़ा भाई स्क्वायर है, सबसे बड़ा भाई कौन है, स्क्वायर, छोटा भाई कौन है, पैरेललोग्राम, उससे बड़ा भाई कौन है, रोम्बस और रेक्टेंगल, ये दोनों एक एक जगह पर, एक पोजीशन पर है, दूसरे नंबर पर है। रोम्बस भी दूसरे नंबर पर है, रेक्टेंगल भी दूसरे नंबर पर है, क्योंकि रोम्बस क्या कहते हैं कि मैं पैरेललोग्राम से बड़ा हूँ, रेक्टेंगल भी बोलते हैं मैं भी पैरेललोग्राम से बड़ा हूँ, तो ये दोनों में झगड़ा होता है, फिर हम दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों बराबर है, दोनों के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो स्क्वेयर है बच्चों, स्क्वेयर ये सबसे बड़ा भाई है, स्क्वेयर ये पैरेललोग्राम से भी बड़ा है, रेक्टेंगल से भी बड़ा है, रोम्बस से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि स्क्वेयर में ये सभी की प्रॉपर्टीज होती है, पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज होती है, रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज होती है, और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज होती है, सभी के प्रॉपर्टीज आपको स्क्वेयर में मिलेंगे, सभी के प्रॉपर्टीज आपको कहाँ मिलेंगे, स्क्वेयर में मिलेंगे, किसके किसके, पैरेललोग्राम के भी मिलेंगे, रेक्टेंगल के भी मिलेंगे, और रोम्बस के भी मिलेंगे। अभी देखो, ऑल प्रॉपर्टीज ऐसे पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में पैरेलल होते हैं, कॉन्क्रीट में होते हैं, रोम्बस में भी होता है, रेक्टेंगल में होते, तो स्क्वेयर में भी होगा। और क्या होता है स्क्वायर में, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसा ये किसमें होता है, रोम्बस में होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं ना, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी ये होते, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, तो ये स्क्वायर में भी आएगी, ओके, स्क्वायर में भी आएगी, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके, तो ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, बट ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अभी हर एक एंगल 90 डिग्री किसमें होता है, रेक्टेंगल में होता है, रेक्टेंगल में होता है ना, हर एक एंगल 90 डिग्री, तो ये भी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में देखो चारों साइड सेम, वो रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो भी उसके पास है, हर एक एंगल 90 डिग्री जो है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो भी स्क्वायर के पास है। फिर एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, ओके, मतलब रोम्बस की भी है, रेक्टेंगल की भी है और पैरेललोग्राम की भी है, तो ये इसके भी, इसमें भी आएगी स्क्वायर में, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स बायसेक्ट इज इधर, तो स्क्वायर के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं, तो देखो बट एट राइट एंगल, तो जब डायगोनल्स बायसेक्ट करते हैं स्क्वायर के तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अभी 90 डिग्री का एंगल किसका फॉर्म होता है, रोम्बस का होता है, हमने देखा ना कि जब रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ये तो रोम्बस की प्रॉपर्टी है, खास रोम्बस की प्रॉपर्टी है, ये पैरेललोग्राम में भी नहीं होता, रेक्टेंगल में भी नहीं होता, ओके, बायसेक्ट होता है लेकिन बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये रोम्बस में, तो ये स्क्वायर में भी होता है, तो देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी आ गई। तो स्क्वायर में बच्चों याद रखो, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आएगी, ये सब मिलकर स्क्वायर है, इसके लिए स्क्वायर ये बड़ा भाई है, इसके लिए स्क्वायर क्या है, बड़ा भाई है, तो राइट एंगल से। फिर डायगोनल बायसेक्ट ऑपोजिट एंगल, अभी डायगोनल बायसेक्ट ऑपोजिट एंगल किसकी प्रॉपर्टी है, हमने देखा था रोम्बस की प्रॉपर्टी है, तो स्क्वायर में भी यही होता है, स्क्वायर में भी यही होता है कि जो ऑपोजिट एंगल है, जैसे ए एंगल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हमने ये किसमें देखा था, रोम्बस में देखा था, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी आएगी। तो बच्चों याद रखो, रोम्बस स्क्वायर ये सबसे बड़ा भाई है, इसमें पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज है, रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज है, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज है, सब मिला के एक में है, ओके, ऑल इन वन, इसके लिए सबसे बड़ा भाई है कौन, स्क्वायर। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर किसमें होता है, रेक्टेंगल में होता है, तो ये स्क्वायर में भी होता है, ओके, सभी की प्रॉपर्टीज आएगी इसमें, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो स्क्वायर में भी होता है, डायगोनल्स बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स रोम्बस में होता है तो स्क्वायर में भी होता है, डायगोनल्स बायसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स रोम्बस में होता है तो स्क्वायर में भी होता है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर में भी होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज आती है, स्क्वायर की भी प्रॉपर्टीज आती है, इसके रोम्बस की भी आती है और रेक्टेंगल की भी आती है, किसमें, स्क्वायर में, तो ये सबका बड़ा भाई है स्क्वायर, तो ये है स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम ट्रेपेजियम,
नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ट्रेपीजियम। बच्चों सबसे पहले ट्रेपीजियम किसको कहते हैं, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पैर एक जोड़ी ऑपोजिट साइड्स की पैरेलल होती है और दूसरी जोड़ी जो होती है दूसरे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होते। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं, यहाँ ए बी और सी डी ये पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन ए डी मतलब ये लाइन और ए बी सी ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे जाके इधर मिलेंगे। ओके तो ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, उसको कहते हैं ट्रेपीजियम। इसमें क्या है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। तो इसमें हम क्या याद रखना चाहिए, तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, आपको क्लास 10 में जो प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे इसमें आता है, तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हमें पता होना चाहिए क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्या होना चाहिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो जो पैरेलल साइड्स है उसकी सम मतलब प्लस एडिशन इनटू हाइट, और इनके पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम आएगा। ये भी बेसिक है, ये आपको लगेगा क्योंकि क्लास 10 के अब जब ज्योमेट्री के सम सॉल्व करेंगे तो ये लगेगा, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखेंगे। तो बच्चों हमें एक लाइन दिया है एल, दूसरी लाइन दी हमें यम, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम। हम देख रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हमने ये पहले सीखा है लेकिन टेंथ में हमें ये काम को आएगा, इसके लिए हम वापस से रिवाइज करें। तो लाइन यल और यम पैरेलल है। अभी देखो बच्चों इनके बीच में कुछ एंगल है क्या, एंगल कुछ भी नहीं है, एक भी एंगल नहीं है, एंगल दिख रहा है इधर किधर नहीं है। ओके तो यहाँ लाइन यल इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं बच्चों, जो लाइन को कट करता है इंटरसेक्ट करता है। अभी लाइन यल ने लाइन यल को और लाइन यम को क्या किया, कट किया, इंटरसेक्ट किया, इसको इसके लिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। तो लाइन यन ने क्या किया, लाइन यल को और यम को क्या किया, इंटरसेक्ट किया, इसके लिए लाइन यन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। और लाइन यल और यम क्या है, पैरेलल है, याद रखो पैरेलल है। हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन देख रहे हैं। ओके अब देखो ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करने के बाद में कितने एंगल हमें मिलेंगे, टोटल 8 एंगल मिलेंगे। देखो इधर एक एंगल मिलेगा, दूसरा एंगल इधर, तीसरा एंगल इधर, चौथा एंगल इधर, पांचवा इधर, छह नीचे एक साथ, इधर 8। तो टोटल हमें 8 एंगल्स मिलते हैं। पहले जब दो लाइन थे लाइन यल और यम तभी तो एंगल्स नहीं थे, लेकिन ट्रांसवर्सल की वजह से हमें कितने एंगल्स मिले, 8 एंगल्स मिले। ओके और इसमें पैरेलल लाइन कौन है, लाइन यल और यम ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये एक दूसरे को पैरेलल हमें क्वेश्चन में दिया है। ओके तो क्या होगा जब दो लाइन पैरेलल होंगी, बच्चे याद रखो जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो क्या क्या होता है, हम एक एक करके देखिए। जब पैरेलल होती है तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो बच्चों अगर हम यहां देखेंगे एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स है। ओके अल्टरनेट एंगल, तो एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 5 ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल। तो याद रखो बच्चों सभी अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सभी अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अगर दो लाइन पैरेलल है और वो दो पैरेलल लाइन में जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं वही कॉन्ग्रुएंट होते। तो बच्चों मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के वजह से और ट्रांसवर्सल के वजह से जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते वही कॉन्ग्रुएंट होते। ओके हर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, जब लाइन पैरेलल होते हैं तो पैरेलल लाइन के वजह से अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते। ओके तो उसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो अल्टरनेट एंगल कैसे याद रखेंगे बच्चों, ये जेड के जैसे होते हैं, जैसे हम जेड करते हैं ना तो इधर एक एंगल फॉर्म होता है इधर एक एंगल, जैसे ये 4 देखेंगे देखो जेड के जैसे फॉर्म, ये ऐसे पैरेलल लाइन है 4 और ये 6 इधर है, तो जेड के जैसे इधर 4 एंगल है इधर 6 जैसे जेड। ओके ये है अल्टरनेट एंगल, और ये उल्टे जेड भी होता है ऐसा, इसको हम अल्टरनेट एंगल मतलब ये दो ऊपर के दो लाइन पैरेलल है और ये जो जेड के जैसे बीच में कैसी लाइन है जो दोनों को मिला रही है ये ट्रांसवर्सल की लाइन होती है। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दोनों लाइंस पैरेलल होती है, ये लाइन और ये लाइन जब दोनों लाइंस पैरेलल होती है तो ही अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ओके इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ये 9th में हुआ है, आपको 10th में भी लगेगा। ओके बच्चों नेक्स्ट देखेंगे हम, अभी लाइन एम लाइन यल एम ये सब पैरेलल है तो वापस से यही। ओके अब देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, क्या देखेंगे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों देखो जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल ने क्या किया, अभी ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है लाइन यल और एम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो साइड में। ओके तो एक है राइट साइड, एक है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड। ओके अभी ये राइट साइड देखेंगे पहले बच्चों, राइट साइड, अभी राइट साइड में कितने एंगल है,
दो है एंगल नंबर टू, एंगल नंबर थ्री, एंगल नंबर सिक्स, एंगल नंबर सेवन। ओके, राइट साइड में देखो आप, राइट साइड में एंगल नंबर टू है, एंगल नंबर थ्री है, एंगल नंबर सिक्स है, एंगल नंबर सेवन। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, एक छोड़कर। अबे एंगल टू के बाद में कौन सा एंगल आता है, एंगल थ्री आता है, तो उसको छोड़ दो। तो एंगल टू के बाद में थ्री आता है, छोड़ दो, तो उसके बाद में सिक्स आएगा। तो टू और सिक्स, एंगल टू और एंगल सिक्स एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल टू और एंगल सिक्स एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर हम एंगल थ्री को कंसिडर करेंगे तो तीन के बाद में कौन आता है, सिक्स आता है, उसको छोड़ दो, तो आता है सेवन। तो एंगल थ्री और एंगल सेवन ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों याद रखो, जब दो लाइंस पैरेलल होती है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब दो लाइंस पैरेलल होती है जो, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, जब दो लाइंस पैरेलल होती है, कंडीशन होना जरूरी है, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो फॉर्म हुए हैं दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। और करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, जो ट्रांसवर्सल होता है उसके दो पार्ट्स करना है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो एक ही साइड में देखना है, एक छोड़कर एक साइड में, जैसे हमने इधर राइट में देखा ना, राइट में दो के बाद में तीन आता है तो तीन को छोड़ दो, दो और छह, तीन और सात, एक छोड़कर एक ही साइड में। ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बाय विच थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो बच्चों अभी देखते हैं लेफ्ट साइड, अभी ये राइट साइड हमने देखा, अब देखेंगे लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में देखो एंगल वन है, तो वन के बाद में कौन सा आएगा बच्चों, फोर आएगा, तो उसको छोड़ दो, एक छोड़ कर। तो एंगल वन किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल फाइव को, एंगल वन एंगल फाइव को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, और एंगल फोर एंगल एट को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये कौन से टाइप ऑफ एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती है, अगर पैरेलल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं रहेंगे। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्मड आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो बच्चे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अभी लाइनियल एम पैरेलल। ओके, तो टोटल हमारे पास कितने, आठ एंगल है। तो अभी देखें इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, इंटीरियर एंगल, तो बच्चों अभी भी हमें एक साइड लेना है, एक साइड में राइट साइड ले लो, तो एक साइड में जो इंटीरियर है, मतलब जो पैरेलल लाइन की जो अंदर एंगल्स है, अभी देखो पैरेलल लाइन एल और एम है, इनके जो अंदर एंगल है एंगल थ्री और एंगल सिक्स है, सिक्स है, अगर इसको हम ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, जो दो लाइन पैरेलल है उसके अंदर फॉर्म होते हैं, और वो वन साइड में, मतलब एक राइट साइड में लेना है, मतलब ऐसा नहीं लेना है एंगल थ्री और एंगल फोर लेना नहीं, क्योंकि एंगल फोर भी अंदर क्रिएट हो रहा है, लेकिन एंगल थ्री एंगल फोर नहीं लेना है, तो एंगल थ्री और एंगल फोर भी होता है। ओके, ये क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल होंगे, 180 डिग्री होता है, लेकिन नहीं लेना है। इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है, कि जो अंदर एंगल्स फॉर्म हुए और एक साइड में, ओके एक साइड में, तो एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स कितना आएगा, 180 डिग्री। उसी तरह एंगल फोर प्लस एंगल फाइव भी कितना आएगा, दोनों का एडिशन करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 180 डिग्री। तो बच्चों ये है इंटीरियर एंगल थ्योरम, कौन सा एंगल है, थ्योरम है इंटीरियर एंगल थ्योरम, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द इंटीरियर एंगल्स फॉर्मड आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो बच्चों आप देखेंगे टेस्ट्स फॉर पैरेलल लाइंस, मतलब अगर हमें कोई भी लाइन को पैरेलल दिखाना है, याद रखो बच्चों, अगर हम कोई भी लाइन को अगर पैरेलल दिखाना है तो ये टेस्ट हम अप्लाई करके पैरेलल दिखा सकते हैं। ओके, समझो बच्चों दो लाइन है, एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, अब ये लाइन पैरेलल है क्या नहीं पता नहीं है हमें। ओके, हमको ये प्रूव करना है कि लाइन एल और लाइन एम ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और ये जो ट्रांसवर्सल है लाइन एन है, ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, जो इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। ओके, अभी देखो एंगल वन कितने एंगल मिलेंगे, हम टोटल आठ एंगल मिलेंगे। ओके, अभी गिवन, अभी यहाँ हमें दिया है कि एंगल फोर और एंगल सिक्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या पता है कि एंगल फोर और एंगल सिक्स कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों देखो, या फिर ऐसे भी दिया है कि एंगल थ्री और एंगल फाइव कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे दिया है, समझो हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया है, या तो फिर हमने फाइंड आउट किया कि एंगल फोर और एंगल सिक्स कॉन्ग्रुएंट है, या फिर एंगल थ्री या एंगल फाइव कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे पता लगा। तो बच्चों गौर से देखो, एंगल फोर और एंगल सिक्स ये कौन से टाइप के एंगल है, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। एंगल थ्री और एंगल फाइव देखो कौन से टाइप के एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो समझो अगर कोई भी एक पेयर ओके, दोनों पेयर फोर और सिक्स, थ्री और फाइव दोनों दिखाना जरूरी है, अगर कोई भी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो जो दो लाइन होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होती है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अगर कोई भी एक पेयर अल्टरनेट एंगल का अगर कॉन्ग्रुएंट होता है, तो जो दो लाइन से वो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म क्रिएट हुए हैं, वो दो लाइन्स क्या होते हैं, दे विल नॉट बी ए नॉर्मल लाइन, वो नॉर्मल लाइन नहीं रहेंगे, वो पैरेलल लाइन्स रहेंगे, वो पैरेलल लाइन्स
रहेंगे। तो इधर देखेंगे तो लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, तो कौन से टेस्ट के हिसाब से? बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जो दो लाइन से जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हुए हैं तो वो दोनों लाइन क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। इट इज अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? लाइन पैरेलल दिखाने के लिए। आपको टेंथ में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, इसका यूज बार बार आएगा। अगर हमको दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं? अल्टरनेट एंगल टेस्ट से दिखा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, कोई भी एक पेयर। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, अभी एंगल टू और एंगल सिक्स कॉन्ग्रुएंट दिया है। देखो एंगल टू और एंगल सिक्स, और दिया है और एंगल थ्री और एंगल सेवन। तो देखो एंगल टू और एंगल सिक्स ये कौन से टाइप के एंगल है बच्चों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल थ्री और एंगल सेवन ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल वन फाइव करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल फोर एंगल एट करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बच्चों याद रखो, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, देखो बच्चों, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो दो लाइन के वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हुए हैं वो दोनों लाइन क्या रहेंगे? एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो लाइन एल और एम क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कौन सा टेस्ट है? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो क्या होंगे? जो दो लाइंस जो फॉर्म हुए जिसके वजह से वो एंगल्स फॉर्म हुए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। ओके, पहले हमने देखा था अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो दोनों लाइन पैरेलल रहेंगे बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो दोनों लाइन पैरेलल रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स, ओके एंगल थ्री प्लस सिक्स, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं और उनका सम 180 डिग्री आता है, या फिर एंगल फोर और एंगल फाइव इसको हम दोनों को ऐड करते हैं मतलब सम करते हैं और उसका मेजरमेंट आता है 180 डिग्री, इसका मतलब क्या? ये सप्लीमेंट्री है। और देखो बच्चों एंगल थ्री और एंगल सिक्स ये किधर है? इंटीरियर में। ओके, एक साइड में है, ट्रांसवर्सल के एक साइड में फॉर्म हुआ है, और इंटीरियर में। एंगल फोर और एंगल फाइव ये भी क्या है? एक साइड में है, किधर है? लेफ्ट साइड में है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, और इंटीरियर में दो लाइन के अंदर फॉर्म हुए हैं। तो ये इंटीरियर एंगल्स है, और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो जो दो लाइन्स के वजह से जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हुए हैं वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। बाय विच टेस्ट? बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं? अल्टरनेट एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट, अगर कोई भी दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो यूज करते हैं। ओके, ये यूज करते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? ये बहुत आसान है, हमने बहुत बार बचपन से सीखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड सेम होते हैं, ये हमें पता है। ओके, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके लिए उसे क्या कहते हैं? इक्वी मतलब इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड क्या होते हैं? तीनों के मेजरमेंट सेम होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। मतलब अब एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? तीन एंगल, तो हर एंगल 60 डिग्री होता है। 60 60 60, आप यहां देख सकते हो, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री। ओके, इक्विलेटरल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम को आएगा। एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है। और एक बच्चों जो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालें। अभी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नॉर्मल ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसका क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया उसके लिए खास फॉर्मूला है, क्या है? रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड स्क्वायर। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड स्क्वायर, ये एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, बच्चा आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो साइड सेम हो या फिर दो एंगल सेम हो। ऐसा ट्रायंगल जिसमें, अभी ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? तीन, तो तीन में से दो साइड अगर इक्वल होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अभी देखो बच्चों इसके ऊपर थ्योरम है कि अगर ट्रायंगल है उसमें दो साइड अगर इक्वल है तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ओके अभी ये साइड और ये साइड एक दूसरे को इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो जो ऑपोजिट एंगल्स है साइड के, जो ऑपोजिट एंगल, अभी इसके ऑपोजिट एंगल सी है और
ये जो साइड है इसके ऑपोजिट एंगल बी है, तो जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये भी एक दूसरे को इक्वल होंगे। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल्स है, ये भी एक दूसरे को इक्वल होंगे। देखो साइड्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे को इक्वल रहेंगे। जैसे यहाँ हमारे इधर क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो जो उसके करस्पॉन्डिंग या फिर ऑपोजिट एंगल्स, जैसे एंगल सी और एंगल बी, ये भी एक दूसरे को इक्वल रहेंगे। इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अगर दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। कौन सा थ्योरम है? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ये भी आपको बहुत काम को आता है क्लास 10 में। इसका कॉन्वर्स भी है। इसका कॉन्वर्स क्या है? अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है, अभी ये ट्राइंगल हम देख सकते हैं, इसमें दो एंगल, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों इक्वल है। अगर कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उसके जो ऑपोजिट साइड से या फिर करस्पॉन्डिंग साइड से, ये भी इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होते। अगर एंगल सी और एंगल बी इधर इक्वल है, इसका मतलब एंगल सी के ऑपोजिट साइड कौन सा है? ए बी है, और एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए सी है, तो ए बी और ए सी भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। सिंपल में कैसे याद रखना? अगर दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अगर दो एंगल इक्वल है तो एंगल के जो ऑपोजिट साइड है ये भी एक दूसरे को इक्वल रहेंगे। ये ट्राइंगल की बात है, ओके, कोई भी ट्राइंगल में। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ओके, ये भी बहुत बार काम को आता है, ओके। तो कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम अभी देखेंगे बच्चों। सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड किसको कहते हैं बच्चों? सबसे पहले याद रखो, अगर हम कोई भी ट्राइंगल में मीडियंस लेते हैं, अब बच्चे पूछेंगे सर मीडियन किसको कहते हैं, ओके। अगर हम कोई भी ट्राइंगल में, अभी ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं बच्चों? तीन साइड होते हैं। तो हर एक साइड का अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे, जैसे अभी ये साइड है इसका मैंने मिड पॉइंट निकाला, ये साइड का हमने समझो मिड पॉइंट निकाला। अभी समझो ये बी सी साइड है, ट्राइंगल ए बी सी है, बी सी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, और ए बी का मिड पॉइंट ई एफ है, तो ये डी मिड पॉइंट है। तो वर्टेक्स से ऑपोजिट मिड पॉइंट को जो सेगमेंट ज्वाइन करता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन, जो सेगमेंट ज्वाइन करता है, उसको मीडियन कहते हैं। बच्चों याद रखो, अभी बहुत बार आपको 10th में क्वेश्चन आता है कि एडी इज मीडियन, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता मीडियन क्या है। तो मीडियन किसको कहते हैं? जो मिड पॉइंट को जाके ज्वाइन करता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसको मीडियन कहते हैं, ओके, सिंपल। वो ऐसे नहीं बताएंगे कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी वगैरह, एक बार ऐसे भी बताते हैं डी इज द मिड पॉइंट, तो समझना कि ए डी मीडियन है, और ए डी मीडियन है ऐसा बताएंगे तो समझना कि डी मिड पॉइंट है, ओके। तो सेंट्रॉइड किसको कहते हैं? तो देखो मीडियंस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं आके मिलते हैं। अभी देखो ये ए डी मीडियन है, बी ई मीडियन है, सी एफ मीडियन है, ये सब तीनों आके कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे? देखो ये पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे, ये पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे, तो इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रॉइड, जहाँ द इंटरसेक्टिंग या फिर द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस, कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट में मिलते, द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस, ओके, तो इसको कहते हैं मीडियन। तो इधर देखो बच्चों, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। तो ए डी बी ई सी एफ ए मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल है, तो इसका मतलब डी ई एफ क्या है? मिड पॉइंट है। तो द सेंट्रॉइड क्या करता है बच्चों? सेंट्रॉइड ये जो पॉइंट है, ये सेंट्रॉइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। बच्चों याद रखो, सेंट्रॉइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 पार्ट, मतलब ऊपर का पार्ट दो दो हिस्सों में देता है, नीचे को वन पार्ट देता है। ऊपर को क्या करता है? दो हिस्से देता है, नीचे को एक हिस्सा देता है। तो सेंट्रॉइड पॉइंट जो है, ओके, सेंट्रॉइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। ये जी जो है एडी को क्या करेगा? 2:1 पार्ट में डिवाइड करेगा, ऊपर वाले को दो हिस्से देगा, नीचे वाले को एक देगा। कैसे? देखो समझो, अगर ये मीडियन एडी की वैल्यू है 9, एडी को वैल्यू है 9, तो जी पॉइंट क्या करेगा? ऊपर एजी को क्या करेगा? एजी को क्या दो पार्ट देगा, ओके, टोटल तीन पार्ट करेगा, उसमें का दो पार्ट। अभी देखो 9 की आप तीन पार्ट करो तो क्या होगा? 3 3 3, उसको कैसे करते हैं? 2/3 लेते हैं, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय एडी करना है तो आएगा कितना? 6। तो ऊपर वाले एजी को क्या करेगा? वो 6 देगा, और बच्चा जीडी को क्या देगा? 3 देगा। तो 2/3 और 1/3, तो टोटल तीन पार्ट करेगा, ऊपर वाले को दो पार्ट देगा और नीचे वाले को एक पार्ट देगा। ये क्या है? सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपको क्लास 10 के लिए, ओके। नेक्स्ट मिसेलेनियस से बच्चों, तो याद रखो एबीसीडी समझो एक ट्रेपीजियम है, हाँ, और ए बी और सी डी एक दूसरे को पैरेलल है। तो और एक बात याद रखो बच्चों, जो डिस्टेंस होता है
बिटवीन सेम पैरेलल, पैरेलल लाइन सेम है, समझो ए बी और सी डी एक दूसरे को पैरेलल है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो क्या होता है, सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, इक्वल होता है। तो यही द डिस्टेंस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस इज इक्वल, ये भी आपको काम को आता है क्लास 10 में, याद रखना है द डिस्टेंस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन सेम होना चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस इज इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो सेम होता है, जैसे हमारे इधर देखेंगे तो एफ पी और इक्वल टू एच जी, एफ ई या फिर ई एफ इज इक्वल टू जी एच आएगा, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द सेम पैरेलल इज इक्वल, ये भी आपको काम को आएगा। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।